हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं ट्रेटिनॉइन क्रीम के बारे में। बहुत सारे लोग ट्रेटिनॉइन क्रीम के बारे में जानते होंगे, बहुत सारे लोग ट्रेटिनॉइन क्रीम के बारे में नहीं जानते होंगे। तो मैं बता दूं व्हाट इज ट्रेटिनॉइन क्रीम। तो ट्रेटिनॉइन क्रीम एक विटामिन ए क्रीम है जो इफेक्टिव रोल करता है स्किन इश्यू बैरियर को ठीक करने के लिए। अब मैं बता दूं कि हाउ वी कैन यूज फॉर व्हाट। तो पहली चीज मैं बता दूं, स्किन में दो, हमारी ह्यूमन स्किन के फेस में दो लेयर होते हैं। एक होता है एपिडर्मिस लेयर होता है, दूसरा होता है डर्मिस लेयर होता है। एपिडर्मिस लेयर जो होती है, अपर की पार्ट को एपिडर्मिस लेयर बोलते हैं, इनसाइड के पार्ट को डर्मिस लेयर होता है। जो ट्रेटिनॉइन क्रीम क्या होता है, दोनों ही लेयर्स के स्किन इश्यूज को ठीक करने में बहुत ज्यादा काम करता है। साथ ही साथ मैं आप बता दूं आपकी यूजेस किस चीजों में। अगर आपकी बहुत ज्यादा एक्ने है तो आप यूज कर सकते हो, अगर आपके ओपन पोर्स हैं तो यूज कर सकते हो, आपके फाइन लाइंस हैं तो यूज कर सकते हो, हाइपरपिगमेंटेशन तो यूज कर सकते हो, या फिर वार्ट्स है तो यूज कर सकते हो, स्ट्रेच मार्क्स है तो यूज कर सकते हो, आपके डार्क स्पॉट है तो यूज कर सकते हो, अगर आपके फेस में मेलास्मा है तो यूज कर सकते हो। इट हैव मल्टीपल स्किन इश्यू प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है। मतलब कितनी भी ज्यादा मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो स्किन में, इश्यूज में, वो सारी चीजों को ट्रेटिनॉइन क्रीम यूज कर सकता है। पर अगर कोई मेरा वीडियो देख के अगर ये परचेस करता हो तो मैं बता दूं ट्रेटिनॉइन क्रीम हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्राइब से ही हमें लेना है। अगर आप डॉक्टर के प्रिस्क्राइब से नहीं लेते हो, डायरेक्ट केमिस्ट की दुकान से लेते हो, तो प्लीज मेरा वीडियो पूरा देखें, क्योंकि मैं वीडियोस में डूज एंड डोज भी बताऊंगी। तो अब मैं बात करते हैं कि इसके वर्क कितने दिन में रिजल्ट आएगा। तो अगर एक्ने है तो ये आपको 3 to 4 weeks लगेंगे, ओपन पोर्स हैं तो आपको 6 to 12 months या 1 साल लग सकते हैं, स्ट्रेच मार्क्स होगा तो 9 to 12 months या 1 साल आप मान लो, इतना आपको टाइम लगेगा। पर हाँ, अब दूसरे साथ साथ इसके कुछ अलर्ट जोन है, पेशेंस है, जो आपको माइंड में हमेशा रखना है। अगर आपके एक्ने हैं तो मैं बता दूं, एक्ने जब होंगी, एक्ने में आप लगाओगे तो पहले तो एकदम रेड कर देगा आपका स्किन, रेड करके आपके स्किन में ना एक्स्ट्रा एक्ने आएंगे। तो आप बिल्कुल घबराना डरना नहीं, आपको सिर्फ थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले आपको रेड करेगा, बहुत एक्स्ट्रा एक्ने लाएगा, फिर वो धीरे धीरे इसको ड्राई अप करेगा और जो रेडनेस को फेड आउट करेगा, फिर वो धीरे धीरे कम कर देगा। अब दूसरी चीज हम बात करें ओपन पोर्स की, तो ओपन पोर्स में मेरे साथ जो एक्सपीरियंस है वो मैं बता दूं। आपका जो ओपन पोर्स हो मैं लगाओगे तो पहले तो ये आपको ज्यादा उभर उभर के गड्ढे दिखाएगा, और वो धीरे 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 उसको मिनिमाइज करेगा। तो प्लीज कभी घबराना मत कि यार इतना ज्यादा एक्सेस क्यों दिख रहा है, वो धीरे धीरे कम कर दे, क्योंकि ये मैं लगाई थी तो मुझे भी ऐसा फील हो रहा था, पर मैं धीरे देखी कि थोड़ा थोड़ा इफेक्टिव हो रहा है, मतलब धीरे धीरे मिनिमाइज कर रहा है। साथ ही साथ स्ट्रेच मार्क्स में, स्ट्रेच मार्क्स में आप लगाओ ना तो पहले तो वो थोड़ा रेडिश रेडिश दिखाएगा, पर वो धीरे धीरे रेडिश को कम करेगा। पर स्ट्रेच मार्क्स ओपन पोर्स में बहुत टाइम लगता है, तो प्लीज थोड़ा पेशेंस तो अपने मन में रख लेना, थोड़ा सा अपने आप को मेंटली स्ट्रांग कर लेना, क्योंकि जितना इफेक्टिव है पर थोड़ा सा टाइम लेता है, कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है। अब हम बात करते हैं डूज एंड डोज की। पहली चीज, जो चीज आपको हमेशा करनी है वो है नाइट में हमेशा लगाना है क्लेंज करने के बाद फेस, एंड हमेशा मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन मस्ट है। अगर आप बाहर जाते हो तो बिना सनस्क्रीन के नहीं जाना है, अपना फेस कवर करके जाना, क्योंकि डायरेक्ट अगर सनरेज पड़ेगा तो आपका फेस बर्न और रेड, इचिंगनेस, ये सारी चीजें, प्रॉब्लम आ सकती, डेफिनेटली आ सकती है। अब मैं बात करते हैं क्वांटिटी की। तो क्वांटिटी की मैं बता दूं, ट्रेटिनॉइन क्रीम आपको मैं पहले दिखा दूं, ट्रेटिनॉइन क्रीम मेरा वाला, तो दिस इज द ट्रेटिनॉइन क्रीम जो मैं फार्मेसी ऐप से ली थी। ट्रेटिनॉइन क्रीम को आपको मटर के दाने के ही बराबर लेना है, ना उससे ज्यादा लेना है ना उससे ज्यादा कम लेना, मटर दाने के ही बराबर लेना है। और जहां जहां आपकी स्किन इश्यूज होंगी, जहां पे आपकी प्रॉब्लम, वहां आपको डायरेक्ट क्लेंस करके लगा लेना है रात में। एंड आपको अगर बहुत ज्यादा ड्राई है तो बहुत ज्यादा सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन तो मस्ट है भाई, ऑयली स्किन हो ड्राई स्किन हो, सनस्क्रीन मस्ट है, मॉइस्चराइजर मस्ट है, क्योंकि मॉइस्चराइजर हाइड्रेट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो कोई भी हो स्किन, अगर ऑयली स्किन वाले आपको लगता है बहुत ज्यादा एक्सेस ऑयली हो जाएगा, तो एक काम करो, क्योंकि आप इफेक्टिव ऑयली स्किन वाली ही मॉइस्चराइजर यूज करो, जैसे प्लम हो गया, एक्मिस्ट हो गया, मिलीमिस्ट हो गया, इस तरह की डॉक्टर रिकमेंडेड, जो सेंसिटिव स्किन वालों के लिए, ऑयली स्किन वालों के लिए
ज्यादा एक्सेस ऑयल नहीं करता, उस तरह के मॉइस्चराइजर आप यूज करो। और सनस्क्रीन में भी बोलूं तो सनस्क्रीन भी आप बेस्ट सनस्क्रीन लगाओ, जैसे न्यूट्रोजीना हो गया, मिनिमिस्ट हो गया, या फिर आप कोई भी अच्छा सा जोवीज के हो गए, ये डर्मा को के हो गए, इस तरह के आप अच्छे वाले सनस्क्रीन हमेशा लगाएं, क्योंकि अगर आप अच्छे वाले स्क्रीन लगाओगे तो आप स्किन बर्न होने के बहुत चांसेस हैं। तो मेक श्योर आप इस तरीके से लगाओ। और साथ ही साथ मैं प्रोडक्ट की बात बोलूं तो ये बहुत चीप प्राइस में आता है यार, बहुत ज्यादा डिलीवरी चार्ज कॉस्ट करके मुझे थोड़ा ज्यादा पड़ता है, पर ये कॉस्ट अराउंड 195 का मुझे पड़ा है, पर ये अराउंड आपको 185 तक में आराम से मिल सकता है, इतना चीप है। और इसका इतना चीप है पर इसका फैक्ट देखो कितना अच्छा है। सो इतना चीप भी है, हर कोई आप ले सकते हो। केमिस्ट की दुकान में नहीं मिलेगा तो फार्मेसी के ऐप में, अमेजोन से, कहीं से भी, अमेजोन में तो कोई भी प्रोडक्ट मिल सकता है, तो अमेजोन, एक्मिस, फार्मेसी, ये सारे फार्मेसी वाले में तो मिल ही सकता है, आप ऑर्डर करके ले सकते हो। एंड अगर आप मेरा वीडियो देख के ले रहे हो तो अगर ये सारी चीजें बातों का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप वैसे ही डायरेक्ट लगा रहे हो आप बिना सोचे समझे तो ये डिजास्टर कर देगा स्किन को। तो ये मेरे जो रूल्स मैंने जो आपको बताए, डूज एंड डोज, ये फॉलो करते हुए आप इसको लगाएं, पेशेंस रखें एंड कुछ कुछ अलर्ट रहें कुछ चीज़ों से। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखें, स्किप मत करें। जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखते हो आपको हम क्या बताना चाहते हैं वो आपको समझ नहीं आएगा। सो मैं यही बोलूंगी कि प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है, एंड सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।